कि महफ़िल हुआ चाहती है जो साथी ज़िक्र कल्ब लेते हैं और फ़िक्र इकबाल के थ्रू या किसी के ज़रिए से भी आप ज़िक्र कल्ब लेते हैं और आपकी दिल की धड़कनें अल्लाह अलग कर रही हैं तो गौस पाक उसके मुर्शिद होते हैं। क्योंकि हमारा सिलसिला कादरी है और जो ज़ाकर कल्बी है उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो ग्यारह शरीफ की महफ़िल का अहतमाम करें। हम ग्यारह शरीफ की महफ़िल का अहतमाम करते हैं। इस महफ़िल में एक नाशरीफ, सबसे पहले तिलावत, एक नाशरीफ और एक कसीदा गौस पाक का आप पढ़ सकते हैं और ज़िक्र की महफ़िल करें। ज़िक्र की महफ़िल नफी इस बात का ज़िक्र है, वो ज़िक्र करें और इसका जो सवाब है इसालो सवाब करें हजूर गौस पाक की रूह मुबारक को। इससे रूहानी ताल्लुक़ जो है गौस पाक के साथ बरकरार रहता है, फ्यूज़ व बरकत हासिल होती हैं और गौस पाक की नज़र करम हासिल होती है। हम भी अभी महफ़िल करते हैं लेकिन महफ़िल के दौरान हम लाइट ऑफ़ कर देंगे। लाइट ऑफ़ करने से मुराद ये है कि कोई बंदा किसी को ना देखे। किसी को क्यों ना देखे? ताकि उसकी तवज्जो किसी और बंदे की तरफ जाए ही ना, किसी और बंदे की तरफ तवज्जो हो ही ना, बल्कि उस तन्हाई में तवज्जो और फ़िक्र गौस पाक की तरफ रहे कि गौस पाक की रूह मुबारक आपको फैज़ दे रही है और ज़िक्र के दौरान साथ में आपने फ़िक्र भी करना है। फ़िक्र क्या? जब ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह और अल्लाहु का ज़िक्र किया जाएगा तो आपका कल्ब है, यहाँ पे आपने तसव्वुर कायम करना है लफ्ज़ अल्लाह, यहाँ पे आपकी रूह है और यहाँ पे तसव्वुर करना है हु, तो ज़रबे लगानी है अल्लाहु अल्लाहु इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। उसके बाद हमने दुरूशिफ पढ़ना है और दुरूशिफ के बाद हमने अस्तगफार का ज़िक्र करना है। उसके बाद ज़िक्र खफी करेंगे यानी खामोश धड़कनों के साथ सिर्फ ज़िक्र को महसूस करना है। उसके बाद हम सलाम पढ़ते हैं। तो ये लाइट ऑफ़ करने से मुराद ये है कि आपकी तवज्जो, आपका ख्याल, आपकी फ़िक्र किसी और की तरफ ना जाए बल्कि अपनी तन्हाई में आपका फ़िक्र और आपकी तसव्वुर जितना ज़्यादा पुख्ता होगा उतना ज़्यादा आपको रूहानी फैज़ होगा। ज़िक्र की महफ़िल हुआ चाहती है, तमाम साथी ऐसे बैठ जाएं जैसे अत्तहियात में नमाज में बैठते हैं और महफ़िल का बाकायदा आगाज़ होता है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लम अलैका या हबीबल्लाह दर पे बुलाओ उमर की मदनी बिगड़ बनाओ उमर की मदनी दर पे बुलाओ दर पे बुलाओ उमर की मदनी बिगड़ी बना
सोना पीर मेरा पीर लज पाले केड़ा सोना पीर मेरा पीर लज पाले डोलन नींदा में डरख दयाले डोलन नींदा में डरख दयाले जदों भी मैं डोली मैं बाबा फड़ लिया गहरा ते डूंगा पानी है किनारा बड़ी दूरे गहरा ते डूंगा पानी है किनारा बड़ी दूरे बेड़ी ते माला असा जाना भी जरूरे बेड़ी ते माला असा जाना भी जरूरे हाथा विच हाथ पाके पार लग गया हाथा विच हाथ पाके पार लग गया मैं अखियां बलावां टल गया मैं मेरा मेरा अखियां झोलियां भर गया मैं गौर गौर अखियां ते मोरा लग गया अफ़ज़ल ज़िक्र कलमा तैयब Hey, hey.
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیک یا محمد 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه 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 لا اله الا الله محمد رسول الله बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दिल की धड़कन महसूस करनी है, दिल के ऊपर तवज्जो करनी है और तसव्वुर करना है कि लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है। दिल की एक धड़कन के साथ अल्लाह, दूसरी धड़कन के साथ हो मिलाते हुए ज़बान खामोश, दिल ही दिल में अल्लाह हू। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم صلی علیہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب یا الہی ذکر کے مختصر محفل کی گئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہی اس میں غلطی کوتاہی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما آمین اس کا بے حد اجر و ثواب عطا فرما آمین اس کا ثواب تحفتاً عقیدتاً محبتاً عقائد و جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آمین پانچ تن پاک سات سلطان الفقراء بارہ اماموں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آمین یا الہی حاضرین محفل کے والدین عزیز و اقارب شہدار دوست احباب جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی روحوں کو ایصال و ثواب کرتے ہیں قبول فرما آمین ان سب کی بخشش و مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما یا الہی غوث پاک کا فیض عام فرما یا الہی غوث پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما یا الہی غوث پاک کے اس نور سے پور مشرق و مغرب تک جتنے بھی مردہ قلوب ہیں ان کو زندہ فرما یا الہی ہر ایک کو ذاکر قلبی فرما یا الہی اس میں ذات ہمارے قلبوں کو عطا فرما اور یا الہی اس میں ذات کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کی طاقت اور توفیق عطا فرما یا الہی نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، مخلوق کے شر سے محفوظ فرما یا الہی مرشد پاک کی بارگاہ میں سرخرو فرما
या अली दज्जाल के शर से महफूज फरमा, या अली इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का सिपाही बना, या अली इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के झंडे तले हमें इकट्ठा फरमा, या अली इमाम मेहदी का साया दो जहां में हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा, या अली जितने बीमार उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा, नफ्स के शर से मखलूक के शर से हमें महफूज फरमा, जिन्नात के शर से महफूज फरमा और अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इन्नल्लाहु मलाइकातु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम सल्लू अलैहि। या अल्लाह जब दमे वापसी हो तो लब पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह हु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।